हेलो एवरीवन, दिस इज सिना सर फ्रॉम सिना एजुकेशन। अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा सिंगल कॉलम कैशबुक कैसे प्रेजेंट होते हैं और उसमें सारे बेसिक्स डिस्कस हो गए दैट ऑल रिसिप्ट्स आर शोन इन डेबिट साइड एंड ऑल पेमेंट्स आर शोन इन क्रेडिट साइड। सेम कंसेप्ट विल बी कैरिड इन दिस टॉपिक ऑल्सो। फर्क क्या पड़ना है, इस बार डबल कॉलम कैशबुक, जैसा कि नाम आपको बता रहा है डबल कॉलम। That means in each side, in debit side also, there will be two amount columns and in credit side also, there will be two amount columns. यही फर्क पड़ेगा, बाकी सारे concepts आपके already clear हो गए कि on looking at the transaction, going through the transaction, first duty that you have to decide, is it a matter of receipt or is it a matter of payment? Receipt है या payment, ये तो पहचानना तब भी था और यहाँ भी पड़ेगा। I think it is very clear to you. So, if it is a matter of receipt, will be shown in debit side. If it is a matter of payment, will be shown in credit side. वो सब as it is ही चलेगा, केवल फर्क पड़ गया कि दो amount column है यहाँ पे। तो double column cashbook में कैसे present होगा, वो हम लोग आज इस video में discuss करेंगे। ठीक है ना? So concentrate hard. Let's go to question number 5 of T.S. Grewal. Here, transactions are given. So format will be very similar to that in the books of cash book. यहाँ पे double column और you may write two column, लिख लेंगे, heading will be same, this is center line and format is ditto as earlier, date particular cell F. This time since two amount columns are there, you have to mention cash then bank. Here again cash then bank. Okay, now let's start one by one. 2020 March 1st we are having cash balance, cash in hand and cash at bank. केवल देखो अंतर क्या है वो मैं पहले आपको बता दूं। सिंगल कॉलम कैश बुक में ये कंफर्म था दैट ऑल ट्रांजेक्शंस वेयर रिलेटेड टू कैश, सो केवल हम लोगों को रिसिप्ट या पेमेंट साइड जाने का डिसीजन लेना था, बस और कुछ नहीं। इस बार क्या होगा, रिसिप्ट साइड जाने के बाद अब डिसीजन लेना है आपको कि इज दैट ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कैश। इफ यस, यदि वो ट्रांजेक्शन कैश से रिलेटेड है तो उस ट्रांजेक्शन का अमाउंट कैश कॉलम में लिखेंगे एंड इफ दैट ट्रांजेक्शन इज रिलेटेड टू बैंक, उसका अमाउंट बैंक कॉलम में लिखेंगे। बस इतना सा तो एक्स्ट्रा डिसीजन लेना है, एक तो ये और दूसरा कॉन्ट्रा एंट्री का कंसेप्ट जो सीखे थे हम लोग अभी क्लिपिंग वीडियो में, वो यहां पे यूज होगा। बस सीधी सी बात, जो ट्रांजेक्शन जैसे इसका भी मैं अभी गो थ्रू करूंगा, ये ट्रांजेक्शन का अमाउंट यहां लिखने का मतलब दैट, ये तो कॉन्ट्रा एंट्री है, इंटरेस्ट रिसीव्ड का बैंक में लिखने का मतलब बैंक में इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। ठीक है ना? इसी कंसेप्ट को फॉलो करेंगे। इफ द ट्रांजेक्शन इज रिलेटेड टू कैश विल बी शोन इन कैश कॉलम, इफ द ट्रांजेक्शन इज रिलेटेड टू बैंक विल बी शोन इन बैंक कॉलम। दिस विल बी वैलिड इन रिसिप्ट साइड एज वेल एज इन पेमेंट साइड। और वो लाइन पढ़ के तो पता चल ही जाएगा कि वो किससे रिलेटेड है, चेक से रिलेटेड होगा, बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगा तो बैंक कॉलम में, और सिंपली कैश से रिलेटेड होगा तो कैश कॉलम में, रिसिप्ट और पेमेंट दोनों साइड। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। मार्च 1 कैश इन हैंड, कैश के ओपनिंग बैलेंस, कैश एंड बैंक बोथ आर एसेट्स, सो देयर ओपनिंग बैलेंस विल बी इन डेबिट साइड। एक ही बार लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, एक ही बार कैश वाला ओपनिंग अमाउंट कैश कॉलम में और बैंक वाला ओपनिंग अमाउंट बैंक कॉलम में। आप हरगिज भी दो बार टू बैलेंस बीडी नहीं लिख सकते, याद रहेगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन रिसीव्ड फ्रॉम आशा कैश 1200 एंड अ चेक ऑफ रुपीज 3200 अलाउड 400 रुपीज डिस्काउंट। हमें आशा से कैश भी मिला है और चेक भी मिला है। अब यहां पे हम लोग जरा सा ठहर के चेक करेंगे वेदर दिस चेक हैव बीन डिपोजिटेड इन बैंक सेम डे और नॉट। तो कई बार तो वो मेंशन कर देगा दैट द रिसीव्ड चेक ऑफ आशा हैव बीन डिपॉजिटेड इन बैंक, तब तो क्लियर हो गया। यहां पे साइलेंट है तो साइलेंट में रूल क्या रहेगा, वी हैव टू गो टू फर्दर लाइंस ऑफ द क्वेश्चन, कि बाद के लाइन में कभी इस 3200 वाले चेक को फर्दर डेट पे डिपॉजिट तो नहीं किया। यदि फर्दर डेट पे डिपॉजिट किया, हिंस प्रूफ कि आज वो बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ था। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहता है, 3200 वाले चेक के बारे में लास्ट तक लाइंस पढ़ गए, कहीं भी नजर नहीं आया। मींस कॉमन सेंस है, आशा से जो कैश मिला
उतने से कैश इंक्रीज, और वो चेक सेम डे बैंक में डिपॉजिट हुआ था, दैट्स व्हाई दैट अमाउंट विल इंक्रीज आवर बैंक बैलेंस. बोथ आर मैटर ऑफ रिसिप्ट, सो बोथ आर बीइंग शोन इन लेफ्ट साइड डेबिट साइड. सिंपली वी आर राइटिंग टू आसाज अकाउंट, कैश वाला कैश में, बैंक वाला बैंक में. नेक्स्ट वन मार्च 7 पेड सैलरी डिसीजन, पेड सैलरी पेमेंट है पेमेंट साइड. यहां तक आ गए मार्च 7 डाले बाय सैलरीज पेड बाय चेक, चेक से रिलेटेड है इसलिए आप देखो अमाउंट कहां शो किया गया बैंक में. इतनी सी बात तो मैं बोल रहा हूं कि आपको बस कैच करना है कि जब बैंक से रिलेटेड होगा तो अमाउंट यहां ना लिख के बैंक कॉलम में लिखेंगे. देन मार्च 9 विथड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, इसका एंट्री बना कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये तो कॉन्ट्रा एंट्री है. मैंने अभी सिखाया था आपको कि कॉन्ट्रा एंट्री की पोस्टिंग कैश बुक में दोनों साइड होगी, डेबिट साइड भी एंड इन क्रेडिट साइड ऑल्सो. फॉर योर हेल्प आई हैव रिटन हियर जस्ट फॉर योर हेल्प, व्हेन यू विल बी इन गुड कमांड इट विल नॉट बी ऑफ एनी यूज, फिर ऐसे लिखने की जरूरत नहीं. मार्च 9 कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जिस भी एंट्री में कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों अपोजिट साइड्स में दिख गए, दैट इज डिक्लेयर्ड एज कॉन्ट्रा एंट्री, सिखाया था आपको, और उसकी पोस्टिंग दोनों साइड होगी. कैसे होगी वो भी क्लिपिंग वीडियो में देखा आपने, लेट्स यूज दैट कंसेप्ट हियर अगेन. कैश अकाउंट डेबिट है मींस बताया था आपको यहां पे कौन सा इनविजिबल बाय, सो दिस विल बी गोइंग एकदम सिंपल लेमैन तरीके से बाय कैश मार्च 9 दिस साइड, और रूल है कॉन्ट्रा एंट्री का एलएफ कॉलम में सी मार्क कर दो एंड इफ द अकाउंट इज कैश अमाउंट विल बी शोन इन जस्ट अपोजिट बैंक कॉलम एंड इन दिस साइड ऑल्सो मार्च 9 टू बैंक will be in debit side, two bank. जो attachment यहाँ है वही attachment यहाँ भी continue करेगा. So two bank, C mark कर लिया, bank account है particulars में, so amount being shown in cash account. Contra entry में आप चाहो तो जब तक आप में expertise ना आ जाए थोड़ा slow down हो गए, ठीक है, फिर तो expertise आ जाएगी आप में. Next one मार्च 12 इंटरेस्ट पेड बाई बैंक ऑन बैंक बैलेंस, इंटरेस्ट पेड बाई बैंक लगेगा पेमेंट है, नो पेड बाई देम रिसिप्ड बाई अस, सो इट इज अ मैटर ऑफ रिसिप्ट टू इंटरेस्ट रिसिप्ड बैंक में बैलेंस मिला, बैंक तो इंटरेस्ट हमेशा बैंक अकाउंट में डालेगी ना, दैट्स वाई रिसिप्ट इन बैंक कॉलम. मार्च 16 परचेस्ड फर्नीचर इन कैश, क्लियर हो गया परचेस्ड है पेमेंट है, राइट साइड बाई फर्नीचर कैश में पेमेंट है, सो इन कैश कॉलम. नेक्स्ट वन पेड टू मोहन एंड कंपनी बाय चेक, अगेन वी आर पेइंग, सो अगेन इन क्रेडिट साइड बाय मोहन एंड कंपनी चेक से पेमेंट है, सो इन बैंक कॉलम 10,900. आउटर कॉलम, यहां पे कंफ्यूजन ये आएगा आप में कि सर ये 100 रुपीज डिस्काउंट आपने क्यों नहीं लेस किया, तो आपको क्लियर कंसेप्ट दे दूं, द अमाउंट विच हैव बीन शोन इन आउटर कॉलम, क्वेश्चन प्रिंटिंग के आउटर कॉलम में जो भी अमाउंट है दैट इज नेट अमाउंट, दैट इज द फाइनल अमाउंट यू हैव टू यूज, वो डिस्काउंट लेस करने के बाद का है. सो डिस्काउंट अलाउड रुपीज 100, डिस्काउंट रिसीव्ड रुपीज 100, इस तरह के इंफॉर्मेशन केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाएंगे. आपको उसमें सब्ट्रैक्ट करके 10,800 नहीं लिखना था, सर ने बताया कि आउटर कॉलम का अमाउंट फाइनल अमाउंट है, वही है चेक का अमाउंट, दैट्स वाई इट हैव बीन रिटेन इन बैंक कॉलम. क्लियर है, आगे तीन ट्रांजेक्शन और. मार्च 24 प्रोप्राइटर विथड्रू फ्रॉम ऑफिस कैश फॉर हिज पर्सनल यूज, ड्रॉइंग है सो बाय ड्रॉइंग्स कैश निकाला कैश कॉलम डिडक्शन. एंड नेक्स्ट वन मार्च 29 सोल्ड गुड्स टू मनोज फॉर कैश, कैश मिला गुड सेल हुआ टू सेल्स अकाउंट, क्लियर है कैश मिला, दैट्स वाई इन कैश कॉलम, यही तो मैं बोल रहा था, ठीक है. So, मार्च 29 भी हो गया. नाउ लास्ट वन मार्च 31 डिपोजिटेड ऑफिस कैश इन बैंक, अब एंट्री सोचो मन में क्या होगा, कैश काउंटर से कैश निकाल के बैंक में डिपोजिट कराया, एंट्री बनता है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ओह ये तो फिर से कॉन्ट्रा एंट्री है, तो स्लो डाउन हो गया, और आपके हेल्प के लिए ये एंट्री मैंने यहां लिख रखा है मार्च 31 बैंक टू कैश, फिर से आप पकड़ लिए, हाँ सर ये तो कॉन्ट्रा एंट्री है, ये दोनों साइड जाएगा, क्रेडिट साइड भी जाएगा और डेबिट साइड भी जाएगा, अब तो एक्सपर्ट हो गए आप. सो हियर डेबिट इज बैंक, सो बाय बैंक विल बी इन दिस साइड मार्च 31 पे बाय बैंक, एंड एज पर रूल
C will be marked in LF column, and here it is bank account will be shown, amount will be shown in just opposite cash column. Cash column mein 21,200 aur is side aa gaya niche wala two cash account. यहाँ पे LF कॉलम में C मार्क कर दिए एंड हियर इट इज कैश सो अमाउंट विल बी शोन इन जस्ट अपोजिट बैंक. तो ये तो याद सा ही रखना है कि उस पूरे क्वेश्चन में 2, 3, 1, 2, 4 बस इतने ही कॉन्ट्रा एंट्रीज होंगे, वो आपको वहां पे स्लो डाउन होके अलर्ट होके दोनों साइड शो करना ही करना है, कहीं छूट ना जाए. एंड ऑल दोज रेस्ट ट्रांजेक्शन विच आर नॉट कॉन्ट्रा एंट्री विल बी शोन either in debit side or in credit side. बाकी के सारे transaction किसी एक साइड जाएंगे, लेकिन contra entry compulsorily दोनों साइड जाएगा. Means in your LF column this will be always in pair. एक transaction का एक C यहाँ तो दूसरा C यहाँ, फिर मार्च 31st वाले का एक C यहाँ एक C यहाँ, जब भी होगा तो वो even form में होगा. ठीक है, ये हो गई पोस्टिंग की. एज पर द कंसेप्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट हैव बीन शोन इन डेबिट एंड क्रेडिट. अनदर ड्यूटी द ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू कैश हैव बीन शोन इन कैश इन आइदर साइड एंड ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू बैंक हैव बीन शोन इन बैंक इन आइदर साइड. यहां तक तो ठीक है. अब लास्ट बच गई बैलेंसिंग, वो तो जैसे सिंगल कॉलम कैशबुक में किया था बिल्कुल वैसे ही. Just in the form of ledger, you have to total both the columns. यहाँ मैंने आपके लिए totaling करके रखा है. Cash पे दोनों पे, cash पे अलग concentrate करेंगे, bank पे अलग concentrate करेंगे. ठीक है ना. So far, cash is having debit total. इसको आप भी total करके देखोगे, it is 50650 and cash वाले column का यहाँ तक का credit total है 49,300. So the difference is 1350. जैसे लेजर में रूल था कि जो बिगर टोटल है दैट विल बी रिटेन इन बोथ साइड्स ऑफ दैट अकाउंट. तो कैश डील कर रहे हैं तो कैश में बॉटम टोटल हो गया बिगर वन 50650. सिंपल. और जो बैलेंस है उस साइड रखते हैं जिस साइड का टोटल शॉर्ट है, छोटा है. तो छोटा तो है क्रेडिट साइड का. सो हियर इट विल बी शोन एज बाई बैलेंस सीडी और कैश में बैलेंस कितना था 1350. सिंपल. सेम वर्क हैव टू बी डन इन बैंक कॉलम. सो बैंक का डेबिट टोटल यहां पे आ रहा है 98,000 एंड क्रेडिट टोटल इज सिंपली 58,400. तो यहां पर भी हम लोगों ने जब डिफरेंस निकाला, बैलेंस फिगर निकाला, सो बैलेंस फिगर इज 39,600. सो द बिगर टोटल 98,000 इज रिटन इन बोथ साइड्स इन बैंक कॉलम एज टोटल अमाउंट एंड द बैलेंस इज अगेन शॉर्ट इन क्रेडिट साइड. सो दैट शॉर्ट अमाउंट इज टू बी शोन इन क्रेडिट साइड. जिस साइड शॉर्ट होगा क्लोजिंग बैलेंस उसी साइड तो आएगा. सो दीज टू आर क्लोजिंग बैलेंसेज रेस्पेक्टिवली. कैश में क्लोजिंग बैलेंस 1350, बैंक में क्लोजिंग बैलेंस 39,600. बोलेंगे क्लोजिंग बैलेंस बट यहां लिखेंगे बैलेंस सीडी, बैलेंस कैरिड डाउन. And last duty to show this as opening balance. जितना यहाँ closing balance है उतना cash वाला closing balance cash के opening में और bank वाला closing balance bank के opening में. ये cash वाला, ये bank वाला. And here it was balance CD, here it will be to balance BD, balance brought down. यहां पर डेट था मार्च 31st, हियर इट विल बी अप्रैल 1. यही तो है. और ये वाला वर्क केवल आपके हेल्प के लिए है. यू हैव नॉट टू शो. मैं यहां पे वार्न कर रहा हूं, दिस हैव नॉट टू बी शोन बाय यू इन एग्जाम. ये काम केवल आपको मैंने सिखाने के लिए किया है. ये आप वहां नहीं लिखेंगे. यू हैव टू डू दिस वर्किंग इन रफ पार्ट. क्लियर. इवन दिस हैव नॉट टू बी डन. दिस इज योर एक्चुअल आंसर पे. क्लियर है. सो ऑल ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू कैश हैव टू बी शोन इन कैश एंड ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू बैंक हैव टू बी शोन इन बैंक एंड द ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू बोथ मीन्स कॉन्ट्रा एंट्री हैव टू बी शोन इन बोथ कॉलम इन अपोजिट साइड्स, इन डेबिट साइड एज वेल एज इन क्रेडिट साइड. सो इजी. Wow.
Thank you.